हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना देखिए नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है, कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो आपने जैसे ही बोला उधर से भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए आप भारत माता की जय की जगह अगर आप भारत माता को जय करेंगे ना, आपको भारत माता की जय बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता को जय करना मतलब यहाँ पर लड़कियाँ भी बैठी हैं, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं अगर आप इनकी इज्जत करना सीखेंगे वो असली भारत माता को जय होगी। तो जी इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसलिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? देखिए वर्ल्ड कप और बायलैटरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बायलैटरल दो देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं, और बहुत बार अभी जब भारत अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप और ICC इवेंट्स ICC कंट्रोल करता है, बायलैटरल सीरीज दो बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो जहाँ BCCI का सवाल है, BCCI ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। ICC इवेंट्स में BCCI का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे बोला जाता है ना कि देखिए फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया, या फिर एक व्यक्ति ने ये बोला था कि नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर कॉमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ICC में किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये PCB बार बार धमकी क्यों देता है? अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, उनकी मर्जी है। PCB की हैसियत कैसी है वैसे? देखिए मैं PCB के बारे में नहीं जानता, और अल्टीमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिर्फ भारत ने नहीं बोला, इनफैक्ट श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए राजी हैं। एक सवाल पाकिस्तान की टीम आपको बहुत मिस करती है, वो कहती है कि अब गौतम गंभीर नहीं खेलते हमारे साथ, ऐसा क्यों है? और भारत की टीम भी आपको मिस करती है। अभी इरफान पठान की हमने वो बाइट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था हम तो गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते। ये झूठ है जी, मुझसे ज्यादा लड़ाई तो वो लड़ते थे क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी क्योंकि TRP ज्यादा मिलती थी, मुझसे ज्यादा लड़ाइयां तो इरफान पठान ने लड़ी है। अच्छा आप बोलते क्या थे उनको, मतलब अगर ये सच, आप इरफान पठान को किसी से शो पे बुलाना? लड़ाई तो अफरीदी से हुई आपकी, शायद अफरीदी से हुई लड़ाई, लेकिन इरफान पठान की तो मुझे लगता है 5 या 6 खिलाड़ियों से हो रखी है लड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी, मेरी लड़ाइयाँ दिखाई जाती है, वही फर्क है सिर्फ। अच्छा एक बात, आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैच में आप एंग्री मैन बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनफैक्ट मेरी शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। नहीं वो पता है मुझे शेन वॉटसन से भी, और इनफैक्ट शेन वॉटसन की लड़ाई के बाद तो मैं मैन ऑफ द सीरीज मैंने खोई थी अपनी, मैन ऑफ द सीरीज खोई। गुस्सा नाक पर रहता है आपकी? नहीं ऐसा गुस्सा नाक पर नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ द फील्ड किसी से लड़ाई नहीं हुई। देखिए शेन वॉटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान, हाँ। कहते हैं क्योंकि एक गंभीर काफी है पाकिस्तान, क्योंकि मीडिया को TRP मिलती है ना उससे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर 4 पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप, ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना। देखिए मीडिया को TRP मिलती है और कोई कारण नहीं है,